बंद कली लहंगा। तो बंद कली लहंगा बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये है लहंगा का लेपा ऊपर का। मैंने कली बनाने के लिए 4.5 इंच छोड़ा है और 3 इंच की कली लेनी है, डबल करके 6 इंच। 3 इंच की कली लेनी है, फिर ऐसे इसका नाप निकालना है पूरा लहंगे का। ऐसे फोल्ड करके 6 इंच कपड़ा लेके फिर 3 इंच की कली लगानी है, कली बनानी है। पहले पूरी कली का हम नाप निकालेंगे, फिर बाद में उसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने पूरा लहंगे में कलियाँ बना ली है। और अब है लहंगे की लंबाई। तो लहंगे की लंबाई है 34 इंच, तो मैंने 32 इंच की लंबाई ली है। ऊपर का लेपा आएगा 2 इंच का। हमारे लहंगे की लंबाई है 33.5 इंच ही है, तो मैंने 1/2 इंच ज़्यादा रखा है सिलाई के लिए। ये हम नीचे की पट्टी है, पहले एक बार फोल्ड करेंगे फिर दूसरी बार। नीचे की पट्टी है 4.5 इंच की। तो हम पहले पट्टी फोल्ड करके उसके बाद में कलियाँ सिलेंगे। हमें ऊपर से और नीचे के दोनों नाप बराबर रखना है, 6 इंच ऊपर से भी 6 इंच है। अब ऐसे तिरछा मार्क करना है शॉक की सहायता से, ऐसा तिरछा पट्टी तक ही कली सिलाई करनी है, नहीं तो नीचे से घेर नहीं होगा लहंगे में, पूरी कली लेंगे। तो देखिए मैंने सॉक का मार्क किया है। अब इसका इसके पास में हमें सुइयां डालेंगे कपड़े में, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। ये सुई है मेरे पास बड़ी बड़ी, तो हम ऐसे सुइयां डालेंगे इसमें ताकि हमारा कपड़ा खिसक ना जाए। एक एक करके सब कलियां मशीन के ऊपर निकालने हैं। बहुत ही अच्छा लहंगा होता है, अगर आपको नहीं जमता है तो वापस कलियां तोड़ सकते हैं आप। तो हमारा कपड़ा के जैसा कपड़ा रहेगा, इसमें कोई कटिंग नहीं है, सिर्फ सिलाई है। इतनी कली लेनी है पट्टी तक, नीचे नहीं लेनी है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लहंगा बनेगा। 9-10 कली जितनी चाहते हो उतनी बन सकती है इसमें। तो मैंने 10 कली बनाई है। एक एक करके सब सिलाई लेनी है, क्योंकि मैंने कमर का नाप पहले ही निकाल दिया था सब मार्क करके। आपको ऐसे नहीं जमता है तो आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं, फिर बाद में मशीन से कच्चा धागा लेने के बाद। ये देखिए हमारा कली वाला भाग, ये देखिए हमारी कली। अब हम कलियों को ऐसे करेंगे उल्टी तरफ, ताकि अच्छे से फिनिशिंग आएंगी हमारे लहंगे की। सबको ऐसे सिलना है पहले, फिर बाद में लेपा लगाएंगे। तो देखिए हमारा लहंगा अंदर से कलियाँ ऐसे दिखेंगी। ये है हमारा लेपा, तो हम लेपा लगाएंगे पहला उल्टी तरफ, फिर सीधी तरफ फोल्ड करना है। लेपा की लंबाई है 36 इंच। अब हमें इसे 2 इंच फोल्ड करना है, थोड़ा चौड़ा ही लेपा रखना है। मैंने 1/2 इंच किया है फोल्ड।
पौना 2 इंच, ये देखिए इसके ऊपर डबल सिलाई करनी है। बहुत ही अच्छा लहंगा है, ये देखिए मैंने डबल सिलाई कर दी है इसमें। धागा मैचिंग है, थोड़ा कम दिख रहा है। ये देखिए मेरा लहंगा तैयार हो गया है, मैंने इसमें 10 कली बनाई है, आप भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छा है।